यहाँ पे आप लोगों की सोच में अगर परिवर्तन हो तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। इन्हीं विषयों पर उसका कान डालते हुए सभी को परिवार से आप बीच में अपनी बात कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता न्याय बॉम्बे में भी दर्जन शांति होता है तो पूरे भारत में आबादी गूंजती है। ठीक उसी प्रकार की प्रतारणा हमारे अपराध में घटी जिसकी उमरिया तक भी गूंज नहीं है। देखिए चिंतन का विषय है कि वहाँ की जो मूल निवासी हैं उन्हें शायद मेरे ख्याल से जागरूकता की कोई बहुत कमी है, उन्होंने इसको सहन कर लिया। हमने उसी क्षेत्र में निवास किया है तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ देखी हैं वो समझ नहीं हमने और डिटेल में बताओ। एक घटना अकाल में घटी है अभी जापान में पहले की है। लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको वहाँ के कुछ कहा जाए कुछ बरते हैं और काफ़ी अपनी बात वहाँ की तैयारी करती है। उन्होंने द्वारा अपनी सरकार में ही उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद रात को ही जगह खान की गाड़ दिया गया। अब चूँकि ये मामला पहले से भी थोड़ा बहुत वहाँ संकेत चल रहा था कि ऐसा ऐसा है, उनको पकड़ने में वहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ। फिर भी न्याय की गुहार नहीं लगाई गई तो पुलिस ने विचार कर लिया। हालांकि फिर भी इस प्रकार की घटना हमारे समाज के लिए हमारे काम के लिए बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यजनक। तो ऐसी घटनाएं भी क्योंकि यहाँ पे अपने जिनको फिर भी न्याय की बात तो उसके लिए है कि हमको अपने लोगों को जागरूक कैसे करें, आखिर की शांता स्वतंत्रता न्याय हमारे अंदर कैसी जागृत हो। एक तो सबसे पहली बात है हमारे जो आज के वर्तमान के जितने भी हम लोग हम लोगों में स्वाभिमानी भूख की तो पूरी तरह से स्वाभिमान की भूख ही खत्म होती है। अगर स्वाभिमान की भूख पैदा कर दें तो लोगों के अंदर से कुछ ना कुछ अंदर से भी जागृत होगी, नहीं हमारे साथ यहाँ पे अन्याय होगा। एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उसके पहले जो सामाजिक ईमानदारी पैदा हुई थी बाद में शायद हमारे काशीराम जी में ऐसा कुछ था कि इन्होंने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके और समाज के लिए अलग गए, कहीं ना कहीं उनमें सामाजिक ईमानदारी थी। आज के समय में देखने को भी नहीं मिलता, हम लोगों में भी देखने को नहीं मिलता। तो प्रयास किया जाए कुछ ऐसा विचारधारा यहाँ पर डाला जाए कि सामाजिक ईमानदारी और स्वाभिमान की भूख हमारे गाँव में हमारे समाज में बढ़े जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इन्हीं बातों के साथ हम आप सबके साथ चिंतन शिविर में बाकी बात अपनी बातें रखते हैं कि आखिर इन्हें क्या रखा जाए। तो सबसे पहले हम अपने साथ आग्रह करेंगे कि अपनी बात वहीं से रखें क्योंकि अभी बैठ करके ये संस्था स्वतंत्रता न्याय पर चर्चा होगी। क्योंकि अपने आप भाषणबाजी की बात ना हो ऐसे फिर भी बता करके कितना भाषणबाजी करते हैं, अगर उसको लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती थी वहाँ पर एक नौजवान केंद्रीय विद्यालय से अपने साथी थे, उन्होंने कुछ बात रखी। वो हकीकत है कि जो हमारे बाबा साहब ने किया जितने वो हैं सब कुछ लिख के भी गए हैं, उनके विचारों का ट्रांसफर हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। अगर वो विचारों का भी ट्रांसफर एक से दूसरे पर किया जाए तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भूख पैदा होगी और हो सकता है सामाजिक ईमानदारी पैदा हो जाए अगर उनके विचारों का ट्रांसफर हो जाए। बाबा साहब भगवान बिरसा मुंडा जी की भी अगर देखा जाए विचार उस जमाने में आज से 119 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, फिर भी उस समय उन्होंने क्रांति कर दी। तो इस ऐसे बातों को रखें कि हमारे समय में आने वाले समय में ऐसे संकट न आए जो घटनाएं घट रही हैं। तो श्री राकेश सिंह तरफ से चाहिए कि अपनी बात को रखें कि क्या क्या किया जा सकता है।